नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप एजुकेशन में। तो अब हम इस समय जानेंगे कि कैसे हम अच्छे से लिख पाए अपना एग्ज़ाम, वो भी थोड़े दिन की पढ़ाई में, है ना। अब हम सब लोगों को एक जिम्मेदारी है, हमें बाहर भी काम करना पड़ता है और हमें भी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। मैं जिन बच्चों को जानता हूँ या फिर मेरा चैनल जो देखते हैं, वो लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान देते हैं, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। उनकी समस्याओं को, यानी उनका आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे। मुझे एक मेरे दोस्त ने ही बोला था कि मैं इतना सब कुछ लिखता हूँ, मैं ये वो सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलते, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मार्क्स पर डिपेंड मत रहो, लेकिन अब का जो जनरेशन चल रहा है वो मार्क्स पर ही डिपेंड करता है। अभी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो एक मार्क्स से आपको वो जॉब आपके हाथ से निकल जा सकती है। इसीलिए अब की बार मार्क्स पर भी हमें डिपेंड करना होगा। तो अभी क्या क्या करें ऐसा उसने पूछा मुझे। यस, तो मैंने एक आंसर इस वीडियो में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे। पहले तो मैं आपको समय बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई करेंगे, कहाँ पर पढ़ाई करेंगे और कितने दिन के लिए। अभी जो बीकॉम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनकी परीक्षा 1 तारीख से चालू हो जाएगी। तो आपके पास एक 20 आज से लेकर उस दिन तक 20 दिन का गैप है, तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में 7 सब्जेक्ट पढ़िए, 7ों के आधे आधे चैप्टर कर लीजिए, इजी है, कुछ नहीं, ठीक है। आप अगर आप ये 20 दिन लगातार करेंगे तो आपका पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो लास्ट ईयर के 14, 15, 16 और 17 वो पेपर कर लेंगे, हाँ, तो आप एक यानी 80% से ऊपर तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। लेकिन आपको उस पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनका दिमाग सटक जाए तो वो कुछ भी बना सकते हैं अपने पेपर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना डाल के कुछ फालतू क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम दोनों साइड में अच्छे रहेंगे, ओके। तो अपना नोट्स भी पढ़ लीजिए, अपना टेक्स्ट बुक भी, और अपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से वो भी सॉल्व कर दीजिए। तो ये 3 चीज़ें करने से आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा कि हाँ, मुझे कुछ तो पता है उस सब्जेक्ट के या फिर उस टॉपिक के रिलेटेड। तो आगे मेरा सेकेंड पॉइंट होता है कि आप सब लोगों की एक ही कमी होती है कि वो आप पूरा आंसर नहीं लिखते, एक आधा आंसर लिख के वो चीज़ छोड़ देते हैं, वहाँ पर प्लेस छोड़ देते, तो वो इट विल बी सो यानी वो बहुत बुरा लगता है। जो आपका पेपर जो करेक्शन करते हैं उनको ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। यस, आप लोग पूरा पेपर भर के देंगे तो यानी हाँ, कुछ बच्चे ने लिखा है, वाह वेरी गुड, तो वो मार्क्स सब कुछ नहीं देखेंगे, ऐसे ही देते जाएंगे। अगर आपका पेपर इधर उधर इनकम्प्लीट है और कुछ स्क्रैच, यानी आपकी हैंड राइटिंग भी महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान से नीट से अच्छे से लिखिए, स्क्रैचेस वगैरह कुछ मत कीजिए, है ना, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे। और जैसे हमें बीकॉन में हमारे टीचर्स कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम करो, थियोरी में भी डायग्राम करो। जैसे अभी फैक्टरिंग प्रोसेस कैसे चलता है वो एक्सप्लेन करो, मार्केटिंग चैनल्स कितने हैं ड्राइंग करके एक्सप्लेन करो, फंक्शंस अभी बॉक्स में लिखकर यानी उसका एक डायग्राम बनाओ, तभी आपको देखिए उधर ही हमारा एक पेज तो डायग्राम में चला जाता है और बाकी के 3 पेज लिखेंगे तो वो जो आपका पेपर करेक्शन करने वाला जो होगा, हाँ भाई बच्चे ने 4 पेज लिखे हैं, 2 पेज के 4 पेज कर लिए, वाओ मार्क्स दे दिए, यस,
अभी सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है भाई। हाँ, और ये सब मैं आजमाते आ रहा हूं अपनी खुद की जिंदगी में। हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है और मेरे दोस्तों को भी एडवाइस किया था, और वो भी एक यानी 80% के अबव तो आ ही गए हैं, तो आप क्यों नहीं आ सकते? यस यू कैन एंड यू विल। और आगे का मेरा जो पॉइंट है, प्रेजेंट कैसे करना है, बस अंडरलाइन कर दो यार, इम्पोर्टेंट। अभी इंग्लिश इंग्लिश का ही मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है? वो पोएम की लाइन, अपने जो टेक्स्ट बुक में लाइन है उस पोएम की, वही आपने उस पेपर पे लिखी है, तो कोट डाउन कीजिए। यस, डबल डबल कॉमा डालकर एक अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ, तो बाद में वो जो करेक्शन करने वाला है वो भी समझेगा कि यस ही नोस व्हाट टू राइट, है ना? और इंग्लिश में एक ऐसा इजी वर्ड मैं देता हूँ, पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए आंसर का, बाद में बॉडी लिखिए, और बाद में कंक्लूशन कि इससे हमें ये हुआ है। इंट्रोडक्शन में ये कहानी इसने लिखी है। ओके, एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ, देखिए। ऑल क्रिएचर्स आर ग्रेट एंड स्मॉल, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। दिस सेंटेंस, इन दिस कंडीशन द ग्रैंडफादर वॉज नॉट अग्रीइंग टू लिव दैट पाइथन, एंड ग्रैंड मदर डिस अग्रीड विथ ग्रैंडफादर्स। ये सब आप लिखेंगे तो यानी उन लोगों को अच्छा लगेगा। एंड सी, फॉर 6 मार्क्स के लिए आप लिखेंगे एक और आधा पेज, एक और आधा यानी, और बाद में बड़े बड़े मार्क्स के लिए होगा तो एक दो आधा। आई एम डूइंग दिस इज ओनली, यस, और मुझे यही टॉपर टॉपर बनाता है। प्रेजेंटेशन कीजिए आपका, ओके, जो डायग्राम मैंने बोला था वो कीजिए आप, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के नाम पर जाने जा सकते हैं। देखिए, कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं, कोई भी इतना उतना कुछ नहीं है, ये आपकी कैपेसिटी है कि आपने जो जाना है वही पेपर पे लिखना है। IFS, यस, हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं IFS, MSM, CA, ये सारे सब्जेक्ट्स ओन यानी जो मेन हेडिंग होती है वो, ठीक है, वो लिखनी पड़ती है। जैसे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के अंदर क्या होता है वो अपने ओन से लिखिए। यस, दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ अ स्टूडेंट। आपको स्मार्ट बनना होगा स्कोर करने के लिए। और मैं ये लेक्चर बहुत ज्यादा दे रहा हूं यार। आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस बाई सेइंग यू कैन एंड यू विल, आप कर सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोक सकता ये सब चीजें करने से। एक माइंडसेट बना लो भाई, यस, मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, मैं BCom भी कर सकता हूं, और आप भी जो पार्ट टाइम नहीं करते हैं वो भी एक माइंडसेट बनाइए। आप फालतू का घर में बैठ कर टीवी देखते हैं, हाँ, तो वो सब बंद कर दीजिए और ये कीजिए। इट विल बी हेल्प्ड, आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप टॉपर तो बन ही सकेंगे। और आपको और कुछ सजेशन देने हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं ये वीडियो अभी कंक्लूड करता हूँ, और आगे आपको कुछ और वीडियोस के लिए कुछ चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए रेडी रखूँगा।